व्हाट्सअप पीपल, क्या हाल है सभी के। तो यार आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट मॉडेड मी यूआई के बारे में। बेसिकली गाइज, इस मॉडेड मी यूआई के अंदर आपको सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गाइज आपको प्री रूटेड देखने को मिलता है, डॉल्बी इंस्टॉल्ड देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आज हम इसके फीचर्स और इंस्टॉलेशन दोनों को लेकर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर गाइज मेरे पास मेरा Redmi Note 8 Pro है और यहाँ पर गाइज अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर चल रहा है मॉडेड MIUI 12.5। इसके अंदर गाइज आपको सारे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो सुपर वॉलपेपर्स हों या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि गाइज आपको नॉर्मल MIUI के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको प्री रूटेड देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पर गाइज आपको मैजिस्क प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको डॉल्बी भी इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन के ऑडियो आउटपुट या फिर साउंड को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। उसी के साथ यहाँ पर गाइस आपको वाइपर फॉर एंड्रॉयड भी दे रखा है, जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन की जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा बढ़ा पाओगे, अपने स्पीकर से थोड़ी ज़्यादा लाउडनेस ले पाओगे। यहाँ पर गाइस आपको एक स्पेक्ट्रम की ऐप देखने को मिल जाती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट मोड्स के लिए। यहाँ पर गाइस अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप गेमिंग के मोड पे स्विच हो जाओ, अगर आपको बेटर बैटरी लाइफ चाहिए तो आप बैटरी के मोड पे स्विच हो जाओ। तो यहाँ पर गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर गाइस आपको मॉडेड MIUI के अंदर हो सकता है कुछ कुछ जगह चाइनीज मिले, जैसे कि थीम्स ऐप में। उसके अलावा यहाँ पर गाइस अगर मैं आपसे बात करता हूँ वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन को लेकर, तो यहाँ पर गाइस आपको जो इंटरफेस देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गाइस जो प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है वो बहुत अच्छा है और ये गाइस आपको नॉर्मल MIUI के अंदर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर गाइस आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की थीम्स देखने को मिल जाती है। ऑल दो Redmi Note 8 Pro के अंदर मैं आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि LCD डिस्प्ले है तो आपकी गाइस बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको जो आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली गाइज यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करी हुई है। यहाँ पर गाइज अगर मैं डिस्प्ले में जाके आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर गाइज आपको एक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप 60Hz, 90Hz, 120Hz या फिर 144Hz चूज़ कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि ये वर्क करता है या नहीं, मैंने टेस्ट नहीं करा, बट टू बी ऑनेस्ट भाई दिखने में बहुत कूल लगता है। यहाँ पर गाइज अगर आप साउंड्स में जाके चेक करोगे तो यहाँ पर गाइज आप पर्टिकुलर ऐप के लिए साउंड को मैनेज कर सकते हो, जो कि आपको नॉर्मल MIUI के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर गाइज अगर मैं आपसे बात करूँ नोटिफिकेशंस को लेकर, तो यहाँ पर गाइज आपको कंट्रोल सेंटर को एकदम मॉडिफाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें गाइज आप कंट्रोल सेंटर को अपने हिसाब से मतलब चूज़ कर सकते हो कि आपको नया चाहिए, मतलब पुराना चाहिए या फिर जैसा भी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर गाइज अगर मैं आपसे बात करूँ होम स्क्रीन को लेकर, तो यहाँ पर गाइज आपको जो है -1 वाली जो स्क्रीन होती है वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ ऐप वॉल्ट का सपोर्ट दिया जाता है नॉर्मल MIUI में, बट यहाँ पर गाइज आप लोग गूगल डिस्कवर को भी उसकी जगह पर रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके अलावा यहाँ पर गाइज आपको जो है एड्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। यहाँ पर गाइज ये पूरा MIUI जो है वो एड फ्री है। उसके अलावा यहाँ पर गाइज अगर आप जाते हो प्राइवेसी वाले ऑप्शन में, यहाँ पर गाइज आपको अच्छे से दिखाते हैं कि कौन सी ऐप ने किस टाइम पे आपकी लोकेशन, कैमरा, माइक या फिर क्या यूज़ करा। नॉर्मल MIUI के अंदर गाइज आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता, और ये वाला फीचर में कुछ ऐसा है जो कि नॉर्मल MIUI के अंदर भी डाल देना चाहिए। एनीवेज यहाँ पर गाइज आपको एक मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें गाइज आपका कुछ स्टोरेज का पार्ट ऑक्यूपाई कर लेगा और उसको एज अ रैम यूज़ करेगा। तो ये भी काफ़ी यूजफुल फीचर हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। यहाँ पर गाइज अगर आप जाते हैं स्क्रीन ऑन टाइम में, तो यहाँ पर गाइज आपको जो रिप्रेजेंटेशन अगेन जो देखने को मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर गाइज आपको फर्स्ट लुक में काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा ये, और इसका इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल MIUI। यहाँ पर गाइज आपको फोकस मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइज अगर आप स्पेशल फीचर्स में जाते हो, तो यहाँ पर आपको गेम टर्बो 3.0 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है नॉर्मल गेम टर्बो 2.0 से। और इसके अंदर गाइज आपको वॉइस चेंजर का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डिवाइसेस में दिया गया है, बट आप गाइज ये मॉडेड MIUI डालकर इसके अंदर भी उसको यूज़
कर सकते हो। पर गाइज जो नेक्स्ट फीचर है वो है टैपलेस। आपको गाइज सिंपली इसको बस अनेबल करना है, उसके बाद आप किसी भी ऐप या फिर किसी भी वेब पेज पे जाते हो और अगर आपको वहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो आपको सिंपली उस टेक्स्ट पे होल्ड करके रखना है। उसके बाद गाइज ये गोला सा घूमेगा और उसके बाद ये आपको टेक्स्ट डिटेक्ट करके बता देगा। देन गाइज यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लो मुझे अगर ये टेक्स्ट कॉपी करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें किसी ऐप में से या फिर कहीं और में से कुछ ना कुछ टेक्स्ट कॉपी करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक किड स्पेस का, जो कि कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो मुझे उसका मतलब नहीं पता, तो मुझे ये फीचर का समझ नहीं आया। एनीवेज नेक्स्ट गाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है MIUI लैब का, जहाँ पर गाइज आपको ऐप फ्लैश कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से गाइज आप इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हो और इसको अनेबल या फिर डिसेबल कर पाओगे। यहाँ पर गाइज जो नेक्स्ट फीचर है वो है सुपर वॉलपेपर्स, और ये गाइज Xiaomi सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीमियम डिवाइसेस में देता है, बट आप लोग गाइज ये मॉडेड MIUI Redmi Note 8 Pro के अंदर इंस्टॉल कर उसको अपने फ़ोन के अंदर मज़े ले सकते हो। तो यहाँ पर गाइज मैंने इसको जब सेट करा है तो यहाँ पर गाइज आप देख पाओगे जो पीछे है वो सुपर वॉलपेपर लग चुका है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जब इसको आप अनलॉक करोगे तो इसकी जो एनिमेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, मतलब गाइज इवन आपको यहाँ पर गूगल की ऐप्स जैसे यूट्यूब या फिर मैप्स भी आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर गाइज जो आपको गेट ऐप्स देखने को मिलता है वो चाइनीज लैंग्वेज में मिलता है, तो जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे फीचर है उनमें थोड़ी बहुत आपको हो सकता है कमी मिल जाए, बट आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। मैं इसको पर्सनली लास्ट 2 वीक से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। ये तो बात होगी चलो फीचर्स की, अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो यहाँ पर गाइज इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपका फ़ोन जो है वो MIUI 12.5 पे होना चाहिए, इंडियन पे भी हो सकता है, ग्लोबल पे भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल गाइज मैंने अपने फ़ोन को MIUI 12.5 इंडियन वेरिएंट पे डाला हुआ है, और यहाँ पर गाइज आपको अपने फ़ोन का जो है बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है या नहीं, तो आपको सिर्फ MIUI वर्जन पे 7 to 8 टाइम्स टैप करना है, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। देन गाइज यहाँ पर आपको चले जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा MIUI अनलॉक स्टेटस। जैसे गाइज मेरे यहाँ पर दिखा रहा है दिस डिवाइस इज अनलॉक्ड, अगर आपके में दिखाता है लॉक्ड है तो आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू अनलॉक बूट लोडर Redmi Note 8 Pro, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है तो गाइज आपको अपने फ़ोन का वॉल्यूम डाउन और पावर बटन होल्ड करके रखना है, ताकि आप अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड के अंदर रीबूट कर लो। ये करने के बाद गाइज आपको अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। कंप्यूटर के अंदर गाइज आपको बेसिकली 3 फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो पहली है गाइज वो है यहाँ पर रोम, इसके लिए गाइज आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड के ऊपर जाना है और यहाँ से गाइज जो नीचे लेटेस्ट वर्जन है उसको चूज़ करके डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज जो आपको चाहिए वो है रिकवरी। रिकवरी का भी गाइज मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग को यहाँ पर जाकर सिर्फ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, ये इसको पूरा डाउनलोड करेगा, और जैसे ही गाइज ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद गाइज आपके कंप्यूटर के अंदर ये सेव कर लेगा। मैं इसको भी ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको गाइज यहाँ पर भी सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर गाइज ये तीनों फाइल्स को मैंने अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया है। अभी गाइज सबसे पहले आपको मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट की जो जिप है इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए विनरर का यूज़ कर रहा हूँ, आप जिस चाहो उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गाइज आपको सिंपली इस वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर गाइज आपको एप्लीकेशन जो है उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। बट आप गाइज इसको जहाँ पर भी इंस्टॉल करोगे आपको उस पाथ को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं इसको अपनी ड्राइव F के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप इसको जहाँ भी इंस्टॉल करोगे उसको याद रख लेना। उसके बाद गाइज यहाँ पर इंस्टॉलेशन सिंपल है,
इंस्टॉल होने के बाद गाइज आपको यहाँ पर उस वाले पाथ पे चले जाना है जहाँ पर आपने अभी मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट को इंस्टॉल करा है। मैंने इसको गाइज अपनी डिस्क F के अंदर इंस्टॉल करा है, आपने जहाँ पर इंस्टॉल करा है वहाँ पर चले जाओ। यहाँ पर गाइज इस वाले फोल्डर में आने के बाद आपको इस वाले फोल्डर के अंदर रिकवरी को पेस्ट कर देना है जो कि अभी अभी आपने डाउनलोड करी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको इसको रीनेम कर देना है और यहाँ पर इसका नाम आपको रख देना है रिकवरी, ठीक है। ये करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर कमांड हियर वाले सेक्शन पे जाना है और मेक श्योर आपका फ़ोन आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पर गाइज आपको पहला कमांड देना है फास्ट बूट डिवाइसेस। जैसे ही आप ये कमांड देंगे गाइज तो मेक श्योर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी ऐसे कुछ रैंडम लेटर्स और नंबर्स आ जाएँ, इसका मतलब कि आपका फ़ोन आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पर आपको कमांड देना है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी स्पेस रिकवरी डॉट इमेज। ये कमांड देते ही गाइज आपका कंप्यूटर आपके फ़ोन के अंदर जो रिकवरी है उसको इंस्टॉल कर देगा। ये करने के बाद गाइज आप अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर से डिसकनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको अपने फ़ोन का वॉल्यूम अप और पावर बटन होल्ड करके रखना है ताकि आपका फ़ोन रिकवरी के अंदर रीबूट हो जाए। यहाँ पर गाइज थोड़ा टाइम लग सकता है तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइज मेरे फोन स्क्रीन के ऊपर टीम विन लिखा हुआ आ चुका है। TWRP का ओपन होने के बाद यहाँ पर गाइज आपको स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशंस को स्लाइड कर देना है। अगर गाइज आप यहाँ पर इंस्टॉल में जाके देखोगे तो आपको भी आपकी स्टोरेज इनक्रिप्टेड मिलेगी, बट कोई टेंशन नहीं है। आपको गाइज यहाँ पर जाना है फॉर्मेट डेटा पे और यहाँ पर आपको येस टाइप कर देना है। मेक श्योर गाइज ये सारे प्रोसेस करने से पहले आप एक बार अपने फोन का पूरा बैकअप ले लेना, क्योंकि इसमें गाइज आपका पूरा फोन रीसेट हो जाएगा। वाइप करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर रिबूट में जाना है और यहाँ पर आपको रिकवरी को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपकी जो रिकवरी है वो एक बार रीस्टार्ट हो जाएगी। दोबारा रिकवरी में आने के बाद गाइज आपको अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है सेम एज इट इज़ रिकवरी के अंदर। आपको अपने फ़ोन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गाइज आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो ये आपके फ़ोन को डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद गाइज आपको अपने फ़ोन की स्टोरेज के अंदर रोम को पेस्ट कर देना है जो कि अभी आपने डाउनलोड करी थी। यहाँ पर गाइज जो ये फाइल है ये मेरे फ़ोन के अंदर पेस्ट हो चुकी है। फाइल पेस्ट होने के बाद गाइज आपको यहाँ पर वाइप वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको चले जाना है एडवांस वाइप में और एडवांस वाइप में जाने के बाद यहाँ पर गाइज आपको सिलेक्ट कर लेना है डालविक कैचे सिस्टम वेंडर डाटा। इंटरनल स्टोरेज को गाइज आपको यहाँ पर वाइप नहीं करना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको स्वाइप टू वाइप को स्लाइड कर देना है। ये करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर बैक बटन दबाना है और उसके बाद आपको चले जाना है इंस्टॉल वाले सेक्शन में। यहाँ पर गाइज आपको रोम को चूज़ करना है और सिंपली यहाँ पर स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर देना है। उसके बाद गाइज ये रोम आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइज आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर गाइज जो रोम है वो मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। रोम इंस्टॉल होने के बाद गाइज आपको यहाँ पर रिबूट में जाना है और यहाँ पर जाकर आपको सिस्टम को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपका फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज फर्स्ट बूट है तो ये 5 से 10 मिनट तक लेगा, तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर गाइज जो बूट एनिमेशन है वो पूरी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर गाइज पुरानी वाली MIUI की बूट एनिमेशन नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं एक बार अपने फ़ोन को पूरा सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज जो मैंने अपना फ़ोन है वो ऑलमोस्ट पूरा सेटअप कर लिया है। तो अभी गाइज यहाँ पर मेरा फ़ोन की जो होम स्क्रीन है वो ओपन हो चुकी है और मेरे फ़ोन के अंदर मॉडेड MIUI 12.5 इंस्टॉल हो चुका है। सो होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके जाना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।